बाद राज्यों के पुनर्गठन एक्ट या द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की। इस एक्ट को समझे उससे पहले अंग्रेजों से पहले के भारत को समझना जरूरी है। अंग्रेजों से पहले का भारत 21 प्रशासनिक सूबों में बटा हुआ था, जिनमें से कई सूबों की सांस्कृतिक पहचान मजबूत थी तो कहीं मिला जुला मामला था। पर भारत पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने मनमाने तरीके से इसे बड़े बड़े प्रांतों में बांट दिया। भारत की मिट्टी, उसकी बुनियादी सोच और परंपरा से अनजान अंग्रेजों ने तमाम प्रांतों की भाषाई पहचान छिन्न भिन्न कर दी थी। फिर 1920 के दशक में जब गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर संभाली तो भाषाई अस्मिताओं का ज्वार फिर बह निकला। बात 1928 की है, जब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। इस समिति ने भाषा, जनभावना, जनसंख्या, भौगोलिक और वित्तीय स्थिति को राज्यों के गठन का आधार माना था। में देश आजाद हुआ और सामने 562 देसी रियासतों के एकीकरण और पुनर्गठन की विकट चुनौती खड़ी थी। उसी बरस श्याम कृष्ण धर आयोग का गठन किया गया, जिसने इस मुद्दे पर जमीन पर काफी काम किया। श्याम कृष्ण धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। उसका जोर प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए उसी बरस जेबीपी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जैसी शख्सियतें थीं। इस आयोग ने जनता की आपसी सहमति, आर्थिक और प्रशासनिक हालात को समझते हुए भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया था। इसी का नतीजा था कि 1953 में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य के तौर पर पहली बार बनाया गया। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में न्यायाधीश फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर थे। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने इसकी संस्तुतियों को कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया। इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर चला। 1960 में ही बंबई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और उसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बांटा गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बने। 1987 में मिजोरम राज्य का गठन किया गया। केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सन 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आए। 2014 में तेलंगाना राज्य बना और 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।